हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनी सुपर कार्ड किस तरह से मैंने मंगाया हूँ और आप भी मंगा सकते हो किस तरह से फ्री में, बिल्कुल जो कोई पैसा नहीं लगा है। और इसका मैं पूरा प्रोसेसर आपको बताने वाला हूँ किस तरह इसमें क्या क्या होता है। तो यदि आपने अभी तक धनी कार्ड नहीं मंगाया है तो मंगाने की यदि सोच रहे हैं तो अच्छी बात है फिलहाल। लेकिन अगर आपकी कोई शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई भी मतलब जैसे ऑनलाइन सामान ज़्यादा परचेस करते हैं या फिर उसके जैसा सेम टू सेम जैसे ऑनलाइन कोई काम है आपका, तो ही इसे मंगाना है। क्योंकि वैसे आप मंगाने का इसे कोई यूज़ में नहीं ले पाओगे। जैसा कि मुझे मंगाया सिर्फ आज हो गया, 1 महीना से 25 दिन से लगभग हो गया, लेकिन मैं इसे कोई काम में नहीं ले पाया हूँ। मेरा सिर्फ पैसे का वैसे रखा हुआ है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि यदि आपका नॉर्मल कोई काम है तो आप इसे ना मंगा कर बल्कि अपना पैसा कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट कर कर आप सही जानकारी पा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन इसमें कुछ फ़ायदा है आपका, तो आप इसे मंगा सकते हो बहुत बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंगाया हूँ जो आपके अनबॉक्सिंग कर कर भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसमें क्या क्या प्रोसेसर होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसे मैं ओपन करता हूँ, ये खोलता हूँ। जैसे मैं एक बार इसे खोल कर देख चुका हूँ कि इसमें जैसे क्या क्या है, क्योंकि बाद में मैं खोलूँ ज़्यादातर क्या है, आजकल डिलीवरी बॉय में सब दिक्कतें आ रही हैं, तो इसीलिए मैं एक बार चेक कर लिया हूँ, सीधा आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या क्या मिला है। यहाँ पे मुझे ये कार्ड मिला है जो कि ये पैक कार्ड है। अभी इस कार्ड को मैंने अभी तक ओपन नहीं किया हूँ। ये धनी का कार्ड है जो कि अभी देख के खोल के दिखाता हूँ। इसके बाद ये पहला मुझे ये लेटर मिला है एक, ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें धनी के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। डियर कस्टमर फॉर फैमिली इज़ कंटिन्यूज, मतलब पूरी जानकारी, आप 5% कैशबैक ऑन स्पिन फॉर्म फुल, पूरी जानकारी इस कार्ड में दी गई हुई है। लेकिन यदि आप इसे लेना चाहो तो भैया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सावधान रहना क्योंकि इस कार्ड से हमें, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको फ्रॉड बनाया जा रहा है, फ्रॉड कर रही है कंपनी। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने इसमें लोन के लिए अप्लाई किया था, तो उसे मिले थे, उसने सिर्फ 10,000 के लिए लोन अप्लाई किया था तो उसे 8,000 रुपये मिले और 12,000 रुपये का चार्ज कटा। 4,000 रुपये लोन का चार्ज देना बहुत कठिन बात हो गई। यदि आप 10,000 लोन लेते हो तो आपको सिर्फ 8,000 दिया जाएगा और उसके बदले में आपसे 12,000 रुपये ले जाएगा, 2,000 इधर कम होगा और 2,000 उधर, 4,000 आपसे ज़्यादा लेंगी कंपनी। तो इस तरह से क्या मतलब है इस कार्ड को। मैंने वैसे फ्री में ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं इसे यूज नहीं करूँगा बल्कि ऐसे ही रखा रहेगा। तो इसलिए आप भी इसे लेने की सोच रहे हैं तो भैया मन करे तो ले लो, वरना इसे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो ये वाला मेरा कार्ड है, यहाँ पे ये वाला मेरा कार्ड है, धनी पे का कार्ड मिल चुका है रुपए का, जो कि प्लेटिनियम है एकदम, कोई दिक्कत नहीं टूटने फूटने की। लेकिन यदि बात करें तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। इसमें फिर पूछ पीछे पूरा कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि मेरा CVV नंबर, सारे नंबर पीछे लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप इसे ATM से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब इसका कोई फ़ायदा हो तो मतलब इसे लेने का ना, तो फ़ायदा फ़िलहाल कोई नहीं है आपका। वैसे फ़ायदा बस सिर्फ यही इतना है कि आप इससे चाहो तो थोड़ी बहुत कुछ फ़ायदे कर सकते हो, पर इसमें फंस भी सकते हो। तो मेरा राय सिर्फ यही रहेगा कि आप इस कार्ड को लेने के बजाय कोई सही काम, कोई सही बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा। अगर लोन लेना चाहते हो तो बैंक से जाकर सीधा बैंक से अप्रूव कर सकते हो। मैं इस कार्ड पे लिया हूँ, मेरे इस कार्ड पे सिर्फ 1500 रुपये लोन अप्रूव हुआ है। तो 1500 रुपये लोन लेके मैं क्या करूँगा, कुछ होने वाला नहीं है। इससे बढ़िया है मैं इसे मोड़ कर आसानी से पैक कर कर आपके सामने ही रख देता हूँ, क्योंकि मुझे फिर अगली कुछ नहीं करना है। इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ, यदि आपको कोई वो है तो आप इस वीडियो में माध्यम से समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय।